हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा दशमलव का भाग करना। जो यहाँ पर आज मैंने ये दो सवाल रखा हुआ है, ये दोनों सवाल को मैं करूँगा। ये दोनों सवाल में देखो डिफरेंट है। एक में दशमलव एक देख में देख लीजिए, 1.2 का भाग दिया रहा है 43.362 में। यानी देखो 1, 2, 3 अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है। इसमें क्या है, 1.5 भागा दिया जा रहा है 86.4। अब एक अंक ही के पहले ये दशमलव लगा है, ठीक है। ऐसे सवाल दोनों सवाल में अंतर है। इसको दोनों को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। ये अगर देख लेंगे तो आपको पूरा सवाल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल अजीज़, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आए मेरी वीडियो तो भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले भाग करना है। इसके लिए मैं आपको बता दूँ एक कंसेप्ट कि जो यहाँ पर दशमलव लगा है 3 अंक में, इसमें लगा है 3 अंक से पहले, इसमें 1 अंक से पहले लगा है, ठीक है। और जो 3 अंक से पहले लगा है, इसको वहाँ पर 3 लिख लेते हैं, और इसका 1 अंक से पहले है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, और दोनों घटा देंगे। घटाएँ कितना बचेगा, 2। बस इसको आप साइड पर रहने दीजिए। ये क्या है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। आगे पहले हम हल कर लेते हैं। इस दोनों दशमलव को भूल जाइए, इस दशमलव को भी, ये दशमलव समझ लीजिए, इसमें दशमलव है ही नहीं। बाकी जैसे भाग किया जाता है वैसे आगे कर लेते हैं, ठीक है। देखो 12 का भाग देना है, 1 अंक में जाएगा नहीं 4 में, तो 2 अंक लेंगे 43। 43 में 12 का भाग देंगे तो कितना होगा, 12 3 36, 12 4 48, 4 में ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए 3 12 ही ले जाएंगे, ठीक है। तीन बार में कितना होगा, 12 3 36, घटाएँ कितना होगा, 13 से 6 घटेगा, 7 बचेगा, ये आपका 0 हो जाएगा। इसको ख़त्म कर देते हैं, साथ ही अब 3 को उतार लेंगे हम। दशमलव को भूल जाना है अभी, जब तक ये भाग हो ना जाए, ठीक है, जब तक नहीं पूरा उतर के कट ना जाए, ठीक है। 73 है, अब कितना होगा, 12 5 60, 12 6 72, 6 बार में कितना आ जाएगा, 72 जाएगा। आप ज़्यादा ले जाएंगे ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए कम ही ले जाएंगे। 3 से 2 कटेगा, 1 बचेगा, ये आपका ख़त्म। अब क्या बचा, 6 है, 6 उतार लीजिए। अब फिर 12 दे दिए, 12 1 कम 12, 1 बार में ही जाएगा, ठीक है। घटाएँ कितना बचेगा, 4, फिर कितना बचा, 2। अब कितना है, 42, 12 3 36, 12 4 48, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, इसे 3 बार ही ले जाएंगे, 12 3 36। घटाएँ कितना बचेगा, ये 6 बचेगा। अब यहाँ पर काम आता है दशमलव का, क्योंकि अब इसके आगे कुछ है नहीं, यहाँ पर सब उतर गया है, 6 शेष बच रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, इसका क्या होता है, अगर दशमलव नहीं होता है तो हम दशमलव लगा कर यहाँ पर 0 बढ़ा के हल करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो दशमलव वाला है, इसलिए एक ध्यान रखना है, ये जो 2 आया है, ये जो 2 आया है, ये आपका दशमलव है कि 2 अंक के पहले 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, पीछे से 1 2, यहाँ पर आपका ये दशमलव लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप 0 उतार सकते हैं ये हल करने के लिए। 2 बार ले जाइए, इसके 2 बार ले जाइए दशमलव के बाद, ठीक है। 60 हो गया, 60 हो गया, 0 दशमलव, यहाँ दशमलव बढ़ाने की जरूरत नहीं क्योंकि दशमलव यहाँ पर पहले से लग चुका है। कितना बार में जाएगा, 12 5 60, 5 बार में आपका ये ख़त्म, ठीक है। कितना आएगा आंसर, 36.135। ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो भाग देखे तो कैलकुलेटर में देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब इसका भी देख लेते हैं, इसका क्या करना है, इसका भी वही हल करना है, ठीक है। पहले देखो ये अंक 1 अंक पे है दशमलव, 1 लिख लेते हैं, ये 1 अंक के बाद है, 1 लिख लेते हैं, दोनों घटाएँ कितना बचेगा, 0। अब दशमलव दोनों को भूल जाइए, अब आगे हल कर लेते हैं। देखो 15 का भागा देंगे 8 में नहीं जाएगा, 46 86 लेंगे, 86 में कितना बार जाएगा, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, 6 में ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हम कम बार में लेंगे, 75। घटाएँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर भी 1 बचेगा, 11, 4 उतार लेंगे, ठीक है। कितना जाएगा, 15 7 105, 15 8 120, 8 बार में ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हम 105 बार ही ले जाते हैं। घटाएँ कितना बचेगा, ये 14 है, 4 में से नहीं कटेगा, इसे उधार लेगा, इसका 14 आ जाएगा, 14 में से 5 कटेगा, 9 बचेगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। अब यहाँ देखो, आप यहाँ पर दशमलव वाली बारी आ गई, क्योंकि आप इसके अंक नहीं है, तो आगे यहाँ देख लीजिए, अगर दशमलव है कि नहीं यहाँ पे,
यहाँ देखो जीरो है, यानी कि कोई दशमलव नहीं है, दशमलव कोई नहीं है, आपको अलग से लगा के दशमलव यहाँ पे लगाएंगे तब यहाँ जाके जीरो आपका बढ़ेगा। ठीक है, अब कितना बार में कटेगा, 15 × 6 = 90, ये आपका कट गया। देख लीजिए ये 57.6 आया। इस तरीके से दशमलव का भाग किया जाते हैं। ठीक है, ऐसे हम करेंगे हमारा सवाल एकदम सही सही आएगा। अगर मान लीजिए ये लास्ट में नहीं कट रहे हैं तो एक दो अंक बाद ले जाइए और, लेकिन इसमें देखो इसमें क्या था कि जीरो दशमलव नहीं लगाना था, लग गया था पहले ही, इसलिए आप जीरो बढ़ा के जितना चाहे उतना ले जा सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें नहीं है दशमलव का जीरो आया है, इसलिए यहाँ पर दशमलव खुद से लगा कर इसमें जीरो बढ़ा कर जितना चाहे उतना ले जा सकते हैं। इस तरीके से दशमलव का भाग किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।